आज साबिर अली, संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। और आप लोग तो राम राज्य की पैरोकारी करते हैं, जहां एक घाट पे गाय, शेर और आदमी तीनों पानी पीते हो। आप छूट दे रहे हैं कि गोली मार दो। मैं आपको पहले, क्या अपनी बात शुरू की उससे पहले मैं कह दिया कि मेरा अपना ओपिनियन है कि बिल्कुल इस तरह की किसी भी जानवर की हत्या करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और इसको नहीं किया जाना चाहिए, मैंने साफ लफ्जों में कहा। लेकिन इसके साथ साथ जो उसके बरक्स जो हालात हैं किसी भी सरकार में, बिहार सरकार की नहीं, मैं दूसरे और भी प्रदेश की सरकारों से बात करता हूं, कि जब उनके किसी भी चीज की रिकमेंडेशन आती है, जो उसमें तर्क दिया जाता है, वो कोई भी ऑफिसर और कोई भी मंत्रालय बड़ी उसको बारीकी से पढ़ती है और फिर उस पर निर्णय लेती है। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो तर्क आए होंगे उसको भी देखना होगा। मैं किसी को इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा, मैं सिर्फ यदि बात है कि दो चीजें हैं इसमें कंट्रडिक्टी है। एक तो किसानों के साथ फसल, चूंकि मैं बिहार से आता हूं, मैं देखता हूं मेरे खुद इलाके में, अभी रंजीता जी कह रही थी कि उन इलाके में नेपाल की, मेरा भी नेपाल का बॉर्डर है और सबसे बड़ा बॉर्डर है, वहां भी नीलगाय सरेआम हम लोगों का खुद, मेरे फसल कितने बर्बाद हुए होंगे, और मैं, हम लोग किसान हैं तो हम लोग बर्बादी हम लोग अपने आंखों से देखा है, रोज देख रहे हैं। लेकिन जो तरीका अपनाया गया ये गलत है, कोई भी कहेगा कि ये गलत है और ये गलत है तो इसको गलत कहा ही जाना चाहिए। अभी एक और खबर आ रही है और वो खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बंदरों को मार देने की छूट दे दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने माना है कि हिमाचल में भी बंदरों की वजह से न सिर्फ खेती को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि उनकी वजह से इंसानी जिंदगी और प्रॉपर्टी को भी बड़े पैमाने पर खतरा हो गया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एक साल तक बंदरों की आबादी पर काबू पाने के लिए उनको मारने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन रंजीत रंजन जी, हम एक ऐसी तस्वीर पर दो हफ्ते बहस कर लेते हैं जहां दिखता है एक विधायक ने घोड़े को डंडा मार दिया, उसका पैर टूट गया। हम नील गाय को मारे जाने की छूट देने पर बहस करते हैं और सरकार पर दबाव बना देते हैं, लेकिन बकराईद के दिन हजारों लाखों की तादाद में बकरे काट दिए जाते हैं, हमारा पशु प्रेम जागता नहीं, क्यों? हम सिलेक्टिव क्यों होते हैं? अगर हम पशु प्रेमी हैं तो फिर पशु प्रेमी हैं, वो त्योहार के नाम पे कट रहा हो कि उपहार के नाम पे कट रहा हो, हमें गुस्सा दोनों वक्त आना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपसे यह प्रश्न करूंगी कि नील गाय का ही डिस्कशन आपके चैनल में क्यों हो रहा है? बकरीद, ईद और इवन दुर्गा पूजा में भी बकरी की बलि दी जाएगी, बकरी की बलि दी जाती है, तो आपका चैनल उस वक्त क्यों नहीं डिस्कशन करता? बिल्कुल करता है, आपकी पार्टी ने आपको भेजा नहीं होगा उस दिन, हमारा चैनल डिस्कशन करता है और हर विषय पे करता है। नहीं, आपका चैनल हम लोग देखते हैं। प्लीज, कितने लोगों को आपने बलि चढ़ाने से रोका है? कितनी बार आपका ये क्या, कौन कौन आया है आपके चैनल में? मैं बहुत पहले जब एमपी नहीं थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म में और उनके साथ पार्टिसिपेट, बहुत सारे सेमिनार किए हैं और मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो आपके चैनल ने नहीं दिखा होंगे। यस, अगर आप आज पूछोगे और डिस्कशन में ऐसे लोगों को लेके आओगे और जानकारी रखोगे ना, तो सुपौल में बैठ के मैंने डिस्कशन किया, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ भी, कि भाई आप भी और आप भी बताओ कि इसमें कौन सा अल्लाह या ईश्वर खुश होता है आपके बलि देने से। मैंने मुसलमानों से भी पूछा कि जो आप कहते हो कि बकरीद में हम त्याग करते हैं, क्या आप अपने बच्चे का त्याग कर सकते हैं? जो दुर्गा पूजा में बकरी की बलि देते हैं, मन्नतें मानते हैं, क्या वो अपने बच्चे की बलि दे सकते हैं? निर्दोष जानवरों को मारा जाता है, निश्चित तौर से। जो आप बोल रहे हैं, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, आप बड़ा डिस्कशन लेके आइए। हम लोग एमपी हैं, हाफ पॉपुलेशन मुस्लिम की है, हाफ हिंदू की है, खुलकर इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगी और जहां आप बोलेंगे वहां खड़े होने के लिए तैयार हूं कि कोई भी जानवर को जिस तरह से मारा जाता है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि मुल्ला, एक लाइन है कि तो क्यों मुर्गी मारे, एक पूरी लाइन है कि हम एक तरफ तो कहते हैं किसी को नहीं मारना चाहिए और दूसरी तरफ फिर मुर्गी को क्यों मारते हैं? आप बकरी और भैंस को क्यों ला रहे हैं? मुर्गियां भी मारते हैं और आप और हम उसके अंडे भी खाते हैं। तो ये बहुत लार्ज लेवल पे डिस्कशन है कि आखिर जब आप बलि चढ़ाते हो, आप खाते भी हो अपने टेस्ट के लिए, उसको भी बंद करो। क्या हमें मालूम नहीं है आज तालिबान में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर न्यू बॉर्न बेबी को, 3 मंथ्स के बेबी को पेट से निकाल कर भी खाया जाता है? दुनिया यहां तक पहुंच गई है, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये दर्द
मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोगों पर है, ये डिस्कशन शुरू तो करो, एक पहल तो शुरू हो, और निश्चित तौर से जब ये शुरू होगा आपके चैनल में या हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग आएंगे तो एक बहुत बड़ा तबका इससे कन्नी काटेगा, इसलिए क्योंकि आपका वोट बैंक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जाके पॉलिटिक्स को अलग रखकर इन चीजों के लिए लड़ते हैं, जिनमें आपकी एक मेनका गांधी जी भी हैं, वो मेरे अपोजिशन में है लेकिन मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। आज वो अपने ही मिनिस्टर से लड़ रही है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हम पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, हमें जेन्युइनली तरीके से एक साथ होकर इसके लिए मुहिम उठानी चाहिए। आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं गुप्ता जी आपसे, भुवनेश्वरी जी, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी है विकसित, जो मौका पड़ने पे कंगारू को मारने की छूट देता है, जबकि कंगारू को लेके वहाँ किस तरीके का प्रतीकात्मक एक क्रेज है उससे भी आप अच्छे से वाकिफ हैं, और पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को कंगारू से ही जानती है, फिर भी वो मारने की छूट देता है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि खेती को लेके कुछ ऐसे सुधार किए जाते जैसे दुनिया भर के बड़े मुल्कों में हो रहे हैं, कि किसानों को बड़े स्तर पर खेती करने की छूट दी जाती और पशुओं का जो इलाका है उसको संरक्षित किया जाता, तो आज ऐसी नौबत नहीं होती कि आपको जानवरों को गोली मारनी पड़े? एकदम सही बोल रहे हैं आप। और देखिए, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हमारे देश में हो रहा हो या चाहे दूसरे देश में हो रहा हो या चाहे कोई और ही समस्या हो, जैसे अभी मैडम बात कर रही थी, तो भारत को पूरे विश्व में एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जहाँ पर हर जीव जंतु के लिए बहुत रेस्पेक्ट है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं भारत में, और हमारे जो बड़े 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 लोग जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने खुद नॉन वायलेंस के बारे में पूरे विश्व में एग्जाम्पल सेट किया है। तो हमको ये चाहिए कि हम बिल्कुल भी दूसरे देश के ऊपर उनके एग्जाम्पल्स के फॉलो ना करें, और ये सोचें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। और जैसे मैंने पहले बोला कि हर समस्या का जो हल है उसको सोच समझकर एक साइंटिफिक तौर तरीके से करना चाहिए, और एक बंदूक से जानवरों को ऐसे मारना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जानवर अगर जैसे अभी हिमाचल में अगर हम मंकीज़ को मार देंगे तो वहाँ पर दूसरी जगह से मंकीज़ आ जाएंगे, तो वो साइकिल तो चलता रहेगा। हम कितने हर साल हम कितने जानवरों को ऐसे मार सकते हैं, तो हमको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मंकीज अगर सिटीज में आ रहे हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम लोग पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं, खाना मतलब जो गार्बेज है वो अगर ओपन है तो वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो भी एनिमल आ रहा है अपना फॉरेस्ट छोड़ के शहर में आ रहा है वो कुछ खाने के लिए या उसको कुछ मिल रहा है, वो इसीलिए आ रहा है। तो अगर हम फेंसिंग करेंगे और अगर हम ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे कि जंगली जानवर अट्रैक्ट ना हो सिटी की तरफ, तो ऐसा होगा ही नहीं। और अगर हम देखा जाए तो ये जो तरीका है शूट करना, ये बहुत ही गलत है, बिकॉज काफ़ी टाइम एक गन शूट से वो नीलगाय नहीं मरती है, और काफ़ी दिनों तक वो तड़प रही है, उसको गैंग्रीन हो जाता है या ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और अगर वो गाय अगर फीमेल है और उसके बच्चे हैं तो वो बच्चे भी उसके माँ के मरने के बाद बिना कोई खाना बिना कोई पीने के वजह से वो भी अपने आप मर जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रूअल तरीका है एक जानवर को ऐसे मारने का, और ये एक इस समस्या का हल नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे, कम से कम अगर एक चर्चा शुरू हुई है इस चीज़ को लेकर तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि जानवर इंसान का फ़र्क क्या है। जानवर इंसान का फ़र्क यहीं आकर ख़त्म होता है जहाँ इंसान बाकी सारे हल को छोड़कर बाकी सारे समाधानों के बारे में सोचना छोड़कर बंदूक उठा लेता है और ये सोचता है कि इसकी हत्या कर देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रियों में टकराव से ही सही, लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें इंसान की भी बेहतरी हो जानवर की भी, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।